राजधानी पटना में चंद घंटों की बारिश के बाद आज क्या हालात हैं ये आपको दिखा रहे हैं। और सीधे देखिए, ये पटना का खेतान मार्केट कदम कुआं इलाका है और यहाँ पर देखिए किस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। लोग जो हैं वो मजबूर हैं कि इस जल जमाव वाले इलाके से होते हुए अपने काम के लिए आगे जाएं। हालांकि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों को जाना है उनको किस तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है ये आपको दिखा रहे हैं। और ये वो इलाका है जो कारोबारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और पटना का जो पुराना इलाका है इसी को कहा जाता है। और ये पूरा इलाका इस वक्त लगभग हर सड़क की तस्वीर इसी तरह की है, जहां लोग मजबूर हैं पानी में आगे बढ़ने के लिए। और जो स्थानीय लोग हैं वो भी तैयार रहते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी के दावे तो हमेशा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर साल बारिश में नगर निगम की पोल भी खुल जाती है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लुटेरा भरा हुआ? क्या हो गया? लुटेरा भरा हुआ, मतलब स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा पटना को लूट लिया गया। मतलब सफाई सबके नाम एकदम जीरो, कुछ नहीं है। इसी तरह जाना पड़ता है। कुछ नहीं है, ऐसा ही एक घंटा बारिश होगा पूरा डूब जाएगा पूरा मार्केट। अरबों रुपया कट्टा नो भरे मार्केट में, कोई व्यवस्था नहीं देता यहाँ का गवर्नमेंट। सम्राट चौधरी है वो तो पगला है। क्या 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 परेशानी होती है आप लोगों को जब बारिश होती है तो? यहाँ क्या है, यहाँ मेरा दुकान यहाँ लगती है, बैक शॉप यहाँ। एक घंटा आधा घंटा भी बारिश होती है तो पूरा सबके दुकान में पानी जम जाती है, चल जाती है। रोड बहुत नीचा है यहाँ पर। और आप क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बताइए, क्या बोल रहे हैं? रोड ऊंचा कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन तो ड्रेनेज का है। ड्रेनेज सिस्टम ठीक रहेगा तो सब चीज ठीक रहेगा। इसमें नहीं, जो रोड है ना, रोड रोड है। आप लोग क्या इसी इलाके के आप रहने वाले? हर बार ये परेशानी, हर साल आज कोई नई बात है, हर 10 दिन आज हमेशा की परेशानी है। स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि हर साल लगभग इसी तरह के हालात का सामना उनको करना पड़ता है। और जो पटना नगर निगम हो या फिर सरकार हो, नगर विकास एवं आवास विभाग जो देखता है इन सारी व्यवस्थाओं को, ड्रेनेज पर लाखों करोड़ों खर्च करने के दावे होते हैं, स्मार्ट सिटी के तहत पटना है, प्रोजेक्ट भी चल रहा है, लेकिन इस सबके बावजूद जो तस्वीर यहाँ से निकल के सामने आ रही है, और लगातार हमने पटना के अलग अलग इलाकों में आज तस्वीर देखी है, जलजमाव से पूरा पटना इस वक्त हलकान है, परेशान है। और सवाल सरकार से है कि आखिर हालात कब सुधरेंगे और पटना को पेरिस बनाने के जो दावे होते रहे हैं वो दावे आखिर कब पूरे होंगे। सहयोगी कैमरा पर्सन अरिमालम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना।